जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। माधव इंफ्रा जिस रफ्तार से तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसका शेयर प्राइस आगे जा रहा है, बहुत जल्दी कंपनी अब आपको स्मॉल कैप से स्मॉल कैप तो अब आ ही रही है, स्मॉल कैप श्रेणी में लगभग आ ही गई है कंपनी, स्मॉल कैप से मिड कैप श्रेणी में ये शिफ्ट होते हुए आपको दिखेगा। हम सभी जानते हैं कि पहले कंपनी पेनी स्टॉक था, हालांकि अभी भी पेनी स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक में भी कैटेगरी होता है। एक हो गया एकदम पेनी स्टॉक जिसका मार्केट कैप बहुत ही लो, एक थोड़ा मिड टाइप का हो गया, मीडियम रेंज में जो आ गया, और एक होता है मिड कैप से थोड़ा ऊपर, यानी कि जो स्मॉल कैप श्रेणी में शिफ्ट हो रहा होता है। तो ये कंपनी अभी स्मॉल कैप श्रेणी में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इस कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे 614 करोड़ के आसपास हो गया है, तो यहाँ 500 करोड़ से ऊपर चला गया, यानी कि अभी कंपनी स्मॉल कैप श्रेणी में लगभग लगभग शिफ्ट हो गई है। रीजन क्या है, क्योंकि शेयर प्राइस काफी तेजी से इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, और पिछले कुछ समय में लगातार इसने कंसिस्टेंस बेसिस पे अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं। मैंने पिछले बार बहुत कुछ दिन हो गए इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए, तब से मैं इस कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 3-4 रुपए के आसपास हुआ करता था, और यहाँ जब जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 6 रुपए के आसपास हुआ, उसके बाद से तो रुका ही नहीं, 6 रुपए के बाद कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ा, खूब ऊपर की तरफ भागते हुए ही गया है। यहाँ एक साल के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन पिछले साल के दिसंबर से बात करें, जब यहाँ पे 6 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस हुआ करता था, ये 6 रुपए का लेवल है, तो यहाँ से प्राइस देखेंगे एक ओवरऑल देखें तो प्राइस आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखा है। हुआ क्या था कि यहाँ पे जब कंसोलिडेशन रेंज में प्राइस था, तब मैंने एक बार अपडेट किया था कि स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में है, अगर आप इस कंसोलिडेशन रेंज को समझते हुए ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है, या जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, उन्होंने तो जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे बनाया होगा। रही बात, कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने कितना रिटर्न बनाया इस स्टॉक में, देखिए मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं ETF इन्वेस्टिंग करता हूँ, ज्यादातर मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता है ETF और फिर बॉन्ड्स वगैरह में होता है, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये सवाल यहाँ पे नहीं उठता। हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ और इसको मैं इंट्राडे में अप्लाई करता हूँ, और इंट्राडे में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, ये जो ब्रेकआउट वाली एंट्री होती है। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं, अभी करना क्या है कि जिसके पास पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, उससे तो इस स्टॉक में बने ही रहना है, क्योंकि अभी स्टॉक का प्राइस देखिए आप ऊपर जा रहा है, ये उम्मीद है कि 30 रुपए तक ओवरऑल जाएगा, 30 रुपए तक जाने के बाद ही यहाँ पर फिर एक कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे आ सकते हैं, रिट्रेसमेंट करके फिर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये एक ऐसा स्टॉक है जो ना बीच बीच में आपको मौका भी देते रहता है डिप पे बाई करने, जैसे यहाँ पे देखिए डिप पे बाई करने को मिला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, तो जब फिर नीचे आएगा यहाँ पे आप बाई कर लीजिएगा, और फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये मैं कम समय के लिए बता रहा हूँ, हालांकि जरूरी नहीं कि प्राइस अब ऊपर जा रहा है तो एकदम ऊपर टॉप पे ही बाई करें, टॉप पे बाई करने से बचना चाहिए, वैसे ही प्राइस काफी बढ़ गया, एक अच्छा करेक्शन आएगा तो आप बाई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ओवरऑल देखें तो इस स्टॉक में हम लोग मैक्सिमम इसका जो लॉन्ग टर्म का प्राइस देखेंगे, समझ में आएगा कि ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसको शॉर्ट कॉट में ATS कहते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई, तो एकदम ऑल टाइम हाई पे बाई करना तो बुद्धिमानी नहीं होगी, आप कम से कम इस स्टॉक के प्राइस को 15 रुपए के लेवल तक आने तक वेट कीजिए, 15 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे आप एक अच्छा खासा अमाउंट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए वजह क्या है इस स्टॉक के प्राइस में तेजी आने का, एक तो कंपनी का जो कंपनी काम करती है, हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है, हमेशा ही इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते ही हैं, और इस तरह के काम काज करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर प्राइस में तेजी होती ही होती है। दूसरी बात, यदि जब हम कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल हमें काफी बेहतर नजर आते हैं। इस कंपनी का सेल्स देखेंगे, जून क्वार्टर में सेल्स थोड़ा सा कम हुआ था, हालांकि कम क्या हुआ था, ओवरऑल देखें यदि पिछले 2-3 क्वार्टर के मुकाबले तो लगभग एवरेज ही है, एक पिछले क्वार्टर को छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी जून क्वार्टर यानी कि क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट के रिजल्ट में सेल्स कम होने के बाद भी मुनाफा सबसे अधिक कमाया है पिछले 2-3 क्वार्टर की तुलना में देखें तो, यानी कि कंपनी का जो अदर बिजनेस है, जैसे कंपनी एक मेन जो बिजनेस होता है उसके अलावा तो कंपनी साइड से भी पैसे कमाती है। कंपनी जैसे आप बड़े बड़े IT कंपनियां देखते हैं, IT कंपनियों का काम क्या है कि IT से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना, सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करना, लेकिन जितने भी बड़े बड़े IT कंपनियां सब आपको देखने को मिलेगा कि BPO चलाती हैं, BPO यानी कॉल सेंटर, तो ये इनके साइड से इनकम हो गए IT कंपनियों के, तो हर एक कंपनी का अपना साइड से कुछ बिजनेस होता है, उससे ठीक ठाक रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भले सेल्स कम हुआ लेकिन चूंकि कंपनी ने साइड की बिजनेस से देखेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया, इसलिए कंपनी ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में है। और यहाँ पे जब आप इस कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट में आपको ये समझने को मिलेगा कि वर्तमान में इस कंपनी के पास जो कर्जा है कम होकर सिर्फ 150 करोड़ के आसपास रह गया है। यहाँ से देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा डेब्ट अपना कम किया है, और डेब्ट
कम करने के साथ साथ एक चीज ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है जो फ्री कैश फ्लो वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। पहले डबल डिजिट में था, बढ़ गया ट्रिपल डिजिट में आ गया। यानी कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि कंपनी के जो कमाई के रास्ते हैं, जो कंपनी का सेल्स है प्लस जो कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तब जाके ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल है और ये होते हुए दिख रहा है। इस कंपनी में एक अच्छी चीज यह भी है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर जो है, यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक मात्रा में तकरीबन 68% के आसपास है। हालांकि पिछले कुछ समय में कम हुई है, लेकिन अभी भी 68% के आसपास इस स्टॉक में प्रमोटर्स हैं। तो इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स जिस कंपनी में होते हैं तो उनमें निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और लोग अपना पैसा इस तरह के स्टॉक्स में लगाते हैं। तो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें तो ग्रोथ हमेशा रहेगा एक सही लेवल देख के। हालांकि स्टॉक का पीई भी कुछ खास महंगा नहीं है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन फिर भी चूंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पे है तो एक सही लेवल देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब मौका आएगा इसमें बाई करने का तो मैं फिर वीडियो में आपका अपडेट करूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मन में कोई सवाल है तो मन में जरूर पूछिएगा। आपका धन्यवाद।